नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। न्यूज़ आप तक के चैनल में आज हम आपको एक नए सेक्शन से रूबरू करा रहे हैं। हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है जिसमें हम ट्यूटोरियल्स बनाकर आपको दिखाएंगे। तो आज हम जो है पूरक ड्रॉ के बारे में आपको जानकारी देंगे, पूरक ड्रॉ से संबंधित ट्यूटोरियल बनाकर आपको दिखाएंगे जिससे आप पूरक ड्रॉ को अच्छे से सीख सकें और उससे अपने ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकें। तो जैसे ही हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो कोरल ड्रॉ का जो कैनवास है, जो विंडो है, वो इस टाइप से ओपन होकर आती है। हम जो है ग्राफिक्स में काम करते हैं तो नई फाइल हमेशा क्रिएट करेंगे और न्यू ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो भी ट्यूटोरियल बनाएंगे और जिससे आप जो कुछ सीखेंगे वो प्रैक्टिकली होगा, ना कि थ्योरेटिकल, क्योंकि हम आपको जो है किसी एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी नहीं करा रहे हैं। हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं ताकि आप घर बैठे इस चीज़ को सीख सकें और इसका यूटिलाइज कर सकें। तो देखा आपने, ये कोरल ड्रॉ का जो कैनवास या न्यू पेज जो है वो ओपन हो गया है। सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी दे लेते हम, जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमारा काम आपको सिखाना है, ना कि एग्ज़ाम की तैयारी करवाना। तो इसका सबसे ऊपर का जो आप देख रहे हैं, जो बार जो कहलाता है टाइटल बार, इसमें हम फाइल का जो भी नाम देंगे वो यहाँ पर सेव होकर आएगा या लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सेकंड बार जो आप देख रहे हैं वो होता है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में सब मेन्यूज होते हैं, जैसे कि फाइल से संबंधित सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ मिलेंगे, एडिट से संबंधित सारे ऑप्शन एडिट मेन्यू में मिलेंगे, व्यू से संबंधित ऑप्शन व्यू मेन्यू में मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार टेक्स्ट से संबंधित टेक्स्ट मेन्यू में मिलेंगे, टूल से संबंधित टूल्स मेन्यू में मिलेंगे। सेकंड जो पट्टी आप जो देख रहे हैं वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि शॉर्टकट होता है। जैसे देखिए, नया फाइल खोलना हो तो इस बटन को दबाएंगे और हर बटन के ऊपर उसकी शॉर्टकट की जो है वो भी लिखी हुई आ रही है। जैसे ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ, तो ये जो बटन आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसके बाद नीचे वाली जो पट्टी आप जो देख रहे हैं वो ऑप्शन बार कहलाती है। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो हमारा टूल बॉक्स है। आप देख रहे हैं कि हर एक टूल के आगे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक त्रिकोण का निशान बना हुआ है। तो जैसे ही इसका हम क्लिक करते हैं तो उसमें छुपे हुए जो ऑप्शन होते हैं, जो और टूल्स होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। ये देखिए, सिर्फ माउस के पॉइंटर को लाने भर से अंदर छुपे हुए जो ऑप्शन हैं, जो टूल्स हैं, वो दिखने लगते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो हमारा टूल बॉक्स होता है और राइट साइड में जो है वो कलर पैलेट है। उसमें सारे प्रकार के कलर मिलेंगे आपको, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं वो होता है रूलर। रूलर से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो होता है नेविगेशन बार। यहाँ पर कितने पेजेस खुले हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये पट्टी, ये होता है स्टेटस बार। हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे, इस पर जो भी काम करेंगे, जैसे हमने ये काम किया, इसको हमने कलर दिया ग्रीन, तो देखिए इसकी जानकारी हमें को स्टेटस बार पर मिल रही है। ये फुल कलर ग्रीन है, आउटलाइन कलर जो है इसका ब्लैक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी जानकारी हमें जो है स्टेटस बार पर मिल जाती है। तो दोस्तों आप इस कोरल ड्रॉ की बेसिक जानकारी समझ गए होंगे। आगे के ट्यूटोरियल्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें।